स्वागत है आप सभी का पत्रिका टीवी के स्टेट बुलेटिन में। मैं हूँ रितिका मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भोपाल में सीएम ने तबलीगी इज्तिमा आयोजन स्थल के निरीक्षण व्यवस्थाओं पर लिया जायजा। भोपाल में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज, जमकर हंगामा। देवास भोपाल बाईपास पर मारुति वैन और बस की टक्कर, मौके पर एक युवक की मौत, चार अन्य घायल। रीवा में चार दिन पहले हुई किशोर की हत्या का मनगांव पुलिस ने किया पर्दाफाश, प्रेम प्रसंग के चक्कर में गवाई जान। और रतलाम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, कई जिलों की टीमें भी हो रही शामिल। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईटखेड़ी पहुंचकर तबलीगी इज्तिमा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने ऐतिहासिक तबलीगी इज्तिमा में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किए जाने और बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को भी सुरक्षा एवं यातायात संबंधी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, लाखों की संख्या में शामिल होने के लिए जमाती भोपाल आएंगे, इसे देखते हुए यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले जमातियों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। 70वां तबलीगी इज्तिमा भोपाल में संपन्न होने जा रहा है। तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु आएंगे। अमन चैन शांति ये दुआएं करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या जो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसके सारे इंतजाम बेहतर हों, इसकी समीक्षा मैंने की। और मुझे खुशी है कि जो हमारी कमेटी है उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी है और प्रशासन के हमारे सारे साथी मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो, प्रेम से आए, यहाँ कोई तकलीफ ना हो, प्रेम से जाएं। इसके लिए जितनी आवश्यक व्यवस्थाएं थी उसकी मैंने समीक्षा की और हम लोग संतुष्ट हैं कि पर्याप्त और माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। पवित्र कार्य है, इसलिए अच्छा होगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और लचर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, जिला उपाध्यक्ष सूरज तिवारी के नेतृत्व में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर हो गई। गृह मंत्री के बंगले की तरफ बढ़ रहे कांग्रेसियों को पहले तो पानी की बौछारों के जरिए रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में जिला कांग्रेस के एक पदाधिकारी को गंभीर चोटें भी आई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रैली के रूप में निकले कांग्रेसियों को कार्यालय से थोड़ी दूर पर रेडक्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछारों से उन्हें रोका। लेकिन हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने बेकाबू कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चलाई। लाठीचार्ज की घटना में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सूरज तिवारी को चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश में गैंगरेप की बढ़ती वारदातों को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवार को गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले की तरफ बढ़ गए। उनके बंगले का घेराव करने के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी भी हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। Come on!
इस दौरान यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूरज तिवारी घायल हो गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी की। वहीं कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूरज तिवारी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रदेश में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कसाना एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीसी शर्मा प्रदर्शन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूरज प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए तो उन्हें पास ही स्थित रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में भी हंगामा किया। कांग्रेस नेता धरने पर बैठे गृह मंत्री के बंगले की तरफ बढ़ने के बाद कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने में प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा, पार्षद गुड्डू चौहान समेत कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। देवास भोपाल बाईपास पर गुरुवार सुबह मारुति वैन को रॉन्ग साइड से आ रही एक्रोपोलिस कॉलेज इंदौर की बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वैन चला रहे भोपाल में रहने वाले शशि कुमार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके दो बच्चे, पत्नी और पिता घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वहीं से गुजर रही इंदौर एसडीएम ने घायलों की सहायता की और अस्पताल तक पहुंचाया। आपको बता दें, मौत के बाईपास के नाम से कुख्यात देवास बाईपास में एक एक्सीडेंट में शशि लोगों की मौत हो गई। वे भोपाल से इंदौर अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तभी इंदौर की ओर से रॉन्ग साइड से अचानक अंधगति से एक्रोपोलिस कॉलेज की बस आई और वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से मारुति वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी चला रहे शशि लोगो उसमें फंस गए। मौके पर पहुंची डायलसा और इंदौर एसडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर घायलों को निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। बुरी तरह से घायल शशि लोगो को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उनके दोनों बच्चों, पत्नी सिल्विया लोगो और पिता जॉन सिल्वेस्टर लोगो को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कटनी में 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण परेशान एक कर्मचारी ने जिला अस्पताल में आत्मदाह का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार ओमपाल नरिया एसएनसीयू में सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम करता है। ओमपाल का आरोप है उसे 2 महीने से वेतन नहीं मिला। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अशोक अवधिया और अकाउंटेंट अरुण कोष्टभ द्वारा वेतन नहीं बनाया जा रहा, इससे उसको भरण पोषण में समस्या का सामना करना पड़ता। आज ओमपाल सुबह परेशान होकर सीएमएचओ ऑफिस पहुंचा और उसने ऊपर केरोसिन डालकर माचिस की तीली लगाने लगा, तभी वहां मौजूद कर्मचारियों की नजर पड़ गई और उसे पकड़कर बचाया। कर्मचारियों ने बताया कि पहली बार माचिस की तीली बुझ गई थी, जैसे ही दूसरी तीली जलाने वाला था वैसे ही उन लोगों की नजर उन पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। वहीं भोपाल अधिकारियों की मनमानी से बहुत परेशान है। उसका कहना है कि इनकी प्रताड़ना से यदि उसके जीवन के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। कितने माह से नहीं मिले हैं? 2 माह हो गया, हमारा दूसरा माह महीना चल रहा है। किस पोस्ट पे हैं आप? जी मैं एसएनसीयू में सपोर्ट स्टाफ हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम ओमपाल है। क्यों? कल मेरी बेटी का पकड़ गई, एमएसटी 3 दिन हुए खत्म, एग्जाम चल रहा है। मेरी बेटी का एग्जाम नहीं होता तो मेरी बेटी बुक हो जाती क्या? नहीं हो जाती। किसकी लापरवाही है वेतन न मिलना? ये सीएमओ की और उनकी लापरवाही है, अकाउंटेंट की। आज आपने क्या किया? आत्मदाह का प्रयास? आत्मदाह का प्रयास किया मैंने और आत्मदाह करूंगा मैं। अगर आज शाम तक मेरी सैलरी नहीं हुआ तो मैं कल फिर आत्मदाह करूंगा यहीं। वहीं रतलाम शहर में प्रताप नगर आरओबी पर बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। बाद में जांच में पता चला कि कार चालक कांग्रेस नेता सतीश पुरोहित का बेटा था। घायल स्वयं ही निजी अस्पताल पहुंचा और इलाज करवाया। पुलिस के अनुसार देर रात प्रताप नगर क्षेत्र में कार चालक और बाइक सवार की जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान बाइक सवार को लेकर अस्पताल जाने की बात हुई तो वह स्वयं ही निजी अस्पताल इलाज के लिए पहुंच गया। बाद में कार के नंबर से पता चला कि कांग्रेस नेता की गाड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसकी नंबर सर्च करना, गाड़ी गूगल पर सर्च करना, देख
का ब्रेक ब्रेक है उसमें कि नहीं है? है तो है। अरे वीडियो हो रही है उस तरह यार, पिक्चर बन रही है। वही रीवा में चार दिन पहले हुई किशोर की हत्या का मनगांव पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। किशोर ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जान गंवाई थी। मनगांव थाने के बसौली नंबर 3 निवासी संदीप रावत 19 नवंबर की सुबह शौच के लिए गया था, जिसकी खेत में किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने संदेही अरुण कुमार प्रजापति व प्रमोद सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो अंधी हत्या का पर्दाफाश हो गया। आरोपी के भतीजे से किशोर के बड़े भाई का प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर आरोपी किशोर से रंजिश रखता था। घटना के दिन जब किशोर शौच के लिए खेत पर गया तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही। हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ललित शाकिवर ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। कुछ इलीगल रिलेशन थे और बाकी जो सोनी था, सोनी का ये था कि सोनी का जो मृतक का बड़ा भाई था वो सोनी की भतीजी को लड़की को कुछ समय पहले भगा के ले गए थे, तो इसलिए वो भी इनसे रंजिश रखता था। और इसमें इनकी जो मोबाइल पर बात हुई थी जो मृतक की और प्रजापति, उसमें उसने ये भी कबूल किया था कि नहीं एक बार मुझे उससे और मिलना है, मुझे मिल। तो उसी में इन्होंने फिर अपने विचार किया और जब ये शौच करने जब खेत में गया तो वहां मौका देख के इसकी हत्या को अंजाम। वही रीवा में गुरुवार की सुबह ट्रक सड़क के किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही रीवा में सीमेंट लोड करके ट्रक हनुमना तरफ जा रहा था। गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही मऊगंज थाने के पतेहरी गांव के समीप पहुंचा, तभी अचानक चालक को झपकी आ गई और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। इस दौरान चालक ट्रक के अंदर ही फंसा रह गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। हादसे में चालक का पैर भी कट गया। वही एम्बुलेंस से पुलिस ने चालक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। ओके स्टार्ट रहा था, थोड़ा ताना रहो। नहीं बनेगा उठाओ, बनाओ यार बनाओ। आप देखो स्ट्रेचर स्ट्रेचर निकालो यार गाड़ी से, थोड़ा जगह दे दो यार भाई। स्ट्रेचर आने दे भाई, पकड़ ले यार, पकड़ 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 पकड़ो खींचो, हाथ लगाओ। चलो पकड़ा पकड़ा है था। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में प्रेम बंधन गार्डन में काम करने वाले मजदूरों पर गार्डन मालिक के कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले पर 3 लोग घायल हो गए, इसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई। कनाड़िया थाना क्षेत्र में प्रेम बंधन गार्डन में काम करने वाले मजदूरों पर मालिक के कुत्ते ने हमला कर दिया था। बुधवार रात यहाँ शादी के आयोजन में काम करने वाले पहुंचे मजदूरों को जान बचाकर भागना पड़ा, जब गार्डन मालिक के कुत्ते ने हमला किया था। कुत्ते के एकाएक हमला करने से मजदूर काफी घबरा गए, इसमें 3 लोग घायल भी हुए। वही मरामबती नामक महिला गंभीर रूप से घायल है, कुत्ते ने महिला के दोनों हाथ को छीन दिया।
अरे भैया हम काम करके बाथरूम आई, हम तीन भाई बाथरूम करने गए, वो क्या मालूम कैसा आ गया भैया, लपट के काट खाया छोड़ दिए कुत्ता पालतू। किसका कुत्ता है वो? क्या मालूम भैया, अपन तो काम मजदूर लोग हैं, तीन भाई थे, ये भाई थी एक अम्माऊ थी साथ में, वो तो ऐसा झूमा झटका करा वो छोड़ दिया। गार्डन वाले का है ना कुत्ता, बताओ ना। हाँ, गार्डन वाले का कुत्ता है, गार्डन वाले कुत्ता है, ये कुत्ता था। तो जैसे हम लोग बाथरूम करने गए काम निपटा के, और उधर से वो पार्टी वाले का कुत्ता था, वो भूक के ऐसे कैसे आया और इनको डपोस लिया, हम छुड़ा रहे, हमसे नहीं छुड़ा, एक और लेडीज मेरे साथ में थी वो भी नहीं छुड़ा, तो मैं भाग के गई उधर, सबको चिल्ला के बुलाया, तो वो एक भैया भी भगा उसको भी खा लिया, तो ऐसे करके वो सबको बुला के ले, जब उसको मारा ये इनको ज्यादा काटा उसको, तो कौन सा गार्डन है? प्रेम बंधन गार्डन। इंदौर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत राजस्थानी कल्चर पर बने हुए भोजनालय चोखो ढाणी पर कार्रवाई हुई। अब यहाँ पर बंदरों का नाच नहीं दिखाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बुधवार रात चोखो ढाणी में वन विभाग की टीम ने छापा मारा। यहाँ मदारी दो बंदरों का नाच दिखा रहा था, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बंद कराया गया। दो बंदरों को जब्त कर वन विभाग की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। वही सिवनी में आबकारी विभाग ने 1,15,30,000 रुपए बाजार मूल्यों की ब्रांडेड कंपनी की अंग्रेजी शराब और बियर को नष्ट कर दिया। पूरी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम और आबकारी विभाग का अमला मौजूद रहा। जिला मुख्यालय से मंडला रोड पर स्थित आबकारी विभाग ने शराब के गोदाम में सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले के लिए अंग्रेजी शराब एवं बियर का भंडारण होता है। आबकारी नीति अनुसार कंपनी द्वारा यहां रखे जाने वाले शराब बियर के स्टॉक का उठाव ठेकेदार द्वारा 6 महीने में करना होता, लेकिन विगत 6 महीने से यहां स्टॉक में रखी करीब 4,000 पेटी शराब और बियर का उठाव न होने पर विभागीय नियम अनुसार कार्रवाई की गई। ब्रांडेड कंपनियों को बियर के आबकारी विभाग ने गड्ढे में भरकर नष्ट कर दिया, जबकि शराब की बोतलों पर जेसीबी मशीन चला दी गई। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुर्मी ने बताया, कार्रवाई विभाग के आयुक्त ग्वालियर के निर्देश पर की गई। इस कार्रवाई में 4,000 पेटी शराब व बियर का उठाव नहीं किया गया था। आबकारी विभाग के नियम अनुसार 6 महीने की समय अवधि के साथ आबकारी विभाग गोदाम में रखे स्टॉक को एक्सपायरी डेट का घोषित कर मानक जीवन के लिए खतरा समझते हुए नष्ट कर सकता है। लगभग 1500 पेटी बियर का नष्टीकरण अभी किया जा रहा है, और लगभग 2458 पेटी यानी लगभग 2500 पेटी स्प्रिट का नष्टीकरण आज यहाँ पे किया जा रहा है। इनका बाजार मूल्य क्या है और क्यों इनको किया? इनका अनुमानित मूल्य 1 करोड़, लगभग 1,15,00,000 के आसपास है, जिसमें से लगभग 90,00,000 की हमारी स्प्रिट यानी शराब नष्टीकरण हो रहा है, और लगभग 26,00,000 का बियर नष्टीकरण हो रहा है। क्यों कर रहे हैं बियर के? बियर एक्चुअली ये जो शराब है, ये शराब निर्माता कंपनियों की है, इनके लिए बंदिश होती है, एक्चुअली इनके लिए प्लेटफार्म है, हमारा बियर हाउस जो है वो इनके लिए प्लेटफार्म है, इनके लिए बंदिश होती है कि हमारे इस प्लेटफार्म पे शराब रख के वो शराब के जो रिटेलर्स हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनको शराब बेच सकते हैं। जब ये लोग निर्धारित समय में शराब नहीं बेच पाते, तो ऐसे विभाग इसकी समीक्षा करके और आबकारी आयुक्त महोदय से आदेश लेकर के इनकी नष्टीकरण की कार्रवाई करता है। बियर के मामले में ये 6 महीने के अंदर हम लोग ऐसी शराब का नष्टीकरण कर देते हैं, और स्प्रिट के मामले में जब कोई निर्माता उसको, जब तक उसका लेबल का पंजीयन होता है तब तक नहीं बेच पाता, तो तब उसको नष्टीकरण कर देते हैं। वही मंदसौर शहर में बीएसएनएल विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर कर्मचारी सुबह एकत्रित हुए व मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मानव श्रृंखला भी बनाई। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि वे लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो, निजी सेक्टर की भागीदारी कम हो, नई पेंशन योजना को निरस्त किया जाए, लेकिन उनकी मांग पर अब तक निर्णय नहीं लिया जा रहा, इसलिए अब विरोध किया जा रहा। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया। हम तक
रतलाम कृषि उपज मंडी में फसल तोल के लिए रुपए विक्रेता या व्यापारी को रुपए देना होता है, लेकिन रतलाम कृषि उपज मंडी में हर बार फसल की बिक्री के दौरान तोल के लिए किसान से 30 रुपए लिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी सभी को है, लेकिन मिलीभगत के इस खेल में सभी मिले हुए। मंडी में किसान जब अपनी उपज की बिक्री करने आता तो उसकी किसी प्रकार के रुपए तोल के लिए नहीं देना होता। इसके लिए मंडी में बोर्ड भी लगा हुआ, लेकिन बोर्ड होने के बाद भी मंडी में गड़बड़ियां चल रही। यहाँ पर किसान को इस कार्य के लिए रुपए भी देने पड़ रहे हैं। उज्जैन के कोठी स्थित बृहस्पति भवन में बुधवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े और सदस्य सूर्या चौहान ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने किसी को फटकार लगाई तो किसी को समझाइश भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रकरणों में पुलिस को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। बेंच के समक्ष कुल 29 प्रकरण आए, इनमें से बेंच ने 8 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया। वहीं कुछ प्रकरणों में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। विशेष बेंच के लिए कुछ 36 प्रकरणों की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। बुधवार को 29 प्रकरण ही पहुंचे। वहीं जबलपुर में केंद्रीय मंत्री अनंत गीते कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भवरताल गार्डन स्थित कल्चरल स्ट्रीट का शुभारंभ किया। भवरताल गार्डन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहर को सुंदर बनाना नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शिवसेना के भारी उद्योग मंत्री गीते ने नगर आगमन पर पत्रकारों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने विवादित मुद्दों पर बोलने से परहेज किया। वे शिवसेना के संत और समाज सेवकों के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए थे। तो मैं शहरों की समस्याओं से परिचित हूँ और सांसद होने के कारण दिल्ली के समस्याओं से भी परिचित हूँ और दिल्ली के समस्याओं से भी परिचित हूँ और इसीलिए अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए एक स्मार्ट सिटी के रूप में आप अपने शहर को बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और इसमें सबका योगदान आवश्यक है और सबसे ज्यादा जनता का योगदान, जन योगदान, जन सहयोग। बिना जन सहयोग के किसी भी क्षेत्र में हम सफलता नहीं पा सकते। तो हम किसी भी, चाहे विकास के कार्य हो, जन सहयोग, जन भागीदारी ये आवश्यक है। महापौर जी ने यहाँ आते हुए मुझे ये बताया कि हमने ये स्ट्रीट बनाई है रंग चौपाल के रूप में। वैसे शहरों में फैशन स्ट्रीट हुआ करती है, लेकिन ये कला की स्ट्रीट आपने बनाई है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओपन आर्ट गैलरी है ये, इसकी आवश्यकता है। हर मानव के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ रहता है। कला के स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन हर मनुष्य में एक कलाकार छिपा हुआ होता है, उसके अवसर मिलने की आवश्यकता है। वहीं विदिशा जिला संग्रहालय में पिछले कुछ दिनों दीमकों से खोखले हुए पेडेस्टल के टूटने से भव्य विष्णु प्रतिमा टूट चुकी, लेकिन अब फिर कमीशन के खेल में प्रतिमाओं के अस्तित्व को मिटाने का काम शुरू हो गया। छोटे छोटे और घटिया क्वालिटी के पेडेस्टल भी 10,000 रुपए के बनाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा। भोपाल के किसी ठेकेदार से बनवाए गए लोहे के खोखले पेडेस्टल में से 29 पेडेस्टल जिला संग्रहालय आ चुके। इनमें से कई छोटे छोटे स्टूल नुमा पेडेस्टल भी औसत 10,000 रुपयों की तक की लागत के हैं। घटिया पेडेस्टल फिर किसी प्रतिमा को टूटने और फिर नए पेडेस्टल खरीदने का माध्यम बनेंगे। वहीं जिला संग्रहालय में पहले से मौजूद लकड़ी और प्लाई के दीमक लगे पेडेस्टल हटाने के बाद से 29 प्रतिमाएं नीचे फर्श या ईंटों पर रखी हुई। इन्हीं प्रतिमाओं के लिए पेडेस्टल बनाए जा रहे हैं। वहीं पुरातत्व विभाग के सब इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता की देखरेख में यह काम किया जा रहा। गुप्ता की माने तो 29 पेडेस्टल करीब 2.5 लाख रुपयों की लागत से बन रहे हैं। लोहे के खोखले पाइपों से बने ये पेडेस्टल प्रतिमाओं के रखने के लिए उपयुक्त नहीं लगते। उनका डिजाइन भी प्रतिमाओं को रखने के लिए मुफीद नहीं और प्रतिमाओं के गिरने की आशंका अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन कमीशनखोरी के खेल में घटिया और छोटे छोटे महज 2,500 कीमत वाले पेडेस्टल भी औसत 7 से 10,000 रुपए की कीमत के बनवाए गए।
लोहे के पेडिसल पर प्लाई लगाकर प्रतिमाओं को रखने की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद प्रतिमाओं का क्या होता है, सिर्फ भाग और अधिकारियों का कोई मतलब नहीं रहता। इसके अलावा संग्रहालय के छत के नाम मात्र की मरम्मत और छोटी सी नाली का निर्माण भी होना है। ये सारा काम लगभग 10 लाख रुपयों का बताया जा रहा। सिवनी नगर पालिका ने बुधवार को मॉडल रोड के दोनों तरफ बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 2 सैकड़ा से ज्यादा अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया गया। कार्रवाई में नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडे, थाना प्रभारी कमलेश चौरिया दलबल के साथ मौजूद रहे। वही शहर के मुख्य व व्यवस्थित मॉडल मार्ग के नगर पालिका चौराहे से लेकर छिंदवाड़ा चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने सुबह 10 बजे शुरू कर दी। इससे पहले नगर पालिका ने सड़क किनारे चिन्हित कर लोगों को अपने अपने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। इससे पहले नगर पालिका ने ताबड़तोड़ इस कार्यवाही में अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप समझ गया था। दुकानदारों ने नाली के ऊपर पक्का अतिक्रमण कर सड़क तक सामग्रियों को रखा। वहीं छोटे बड़े टपरा नुमा दुकानदारों ने यहाँ कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते मुख्य मार्ग काफी संकरा हो गया। यहाँ से गुजरने वाला वाहनों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता। सामान लेकर भागते नजर आए लोग सड़क किनारे टपरा नुमा दुकान लगाकर अपनी दुकान चलाने वाले के पास अब अतिक्रमण हटाव कार्य में लगे दस्ता और जेसीबी मशीन को अपने निकट आते देखा तो अतिक्रमणकारियों ने आनंद फानंद दुकान का सामान, लकड़ी, फाटा आदि सुरक्षित निकाल कर ले जाते फुटकर व्यापारी नजर आए। यशवंत राव चौहान, संयोजक मुकेश शिंदे, संयोजिका रेखा कदम, यात्रा प्रभारी शैलेंद्र काले, यात्रा सहायक प्रभारी चेरन लोकरे सहित संपूर्ण मराठा समाज के लोग रैली में थे। वाहन रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है और कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं? उज्जैन भ्रमण करेगी रतलाम रेंज में इन दिनों विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा। मंदसौर में जहाँ SP11 द्वारा 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबला हुआ तो नीमच में मुख्यमंत्री कप अंतर्गत खेल के आयोजन की शुरुआत हुई। मंदसौर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता भी चल रही, इसमें मंदसौर के अलावा नीमच और प्रतापगढ़ आदि जिलों की टीमें भी भाग ले रही। वही गुरुवार को नूतन खेल मैदान पर शामगढ़ व SP11 के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई, जबकि नीमच में मुख्यमंत्री कप जिला स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। राजपुताना में थोड़ी खेला, ये कोटा लीग में खेलोगे? राजपुताना तो आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।